हाय, दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। क्वेश्चन है, डाई हाइड्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। द रिएक्शन दे रखी है N2+H2 2NH3। बोले कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। अमोनिया कितना बनेगा अगर 2 × 10⁻⁴, ये 2 है ना, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर है, 2 × 10⁻² ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 × 10⁻³ ग्राम डाई हाइड्रोजन। बोल रहे हैं फिर कोई अनरिएक्टेड भी रहेगा क्या, ऐसा पूछ रहे हैं, और रहेगा तो कौन सा रहेगा और उसका मास क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो एक बार रिएक्शन लिख देते हैं, N2+H2 gives NH3। तो ये बैलेंस करेंगे तो ये N2+3H2 gives 2NH3 होता है। सबसे पहला काम बैलेंस करेंगे। अब इसके क्वेश्चन को देखते ही इसके मोल लिख देंगे, तो ये आगे जो भी लिखा हुआ होता है वो मोल होता है। ये आगे 1 है तो मोल, ये आगे 3 है तो 3 मोल, ये आगे 2 है तो 2 मोल। मोल लिखने के बाद यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख देते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, ये 3 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, ये 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, राइट, अमोनिया के। तो मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो मोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मास लिख देते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 × 2 = 28। हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 34। ये सब स्टैंडर्ड चीजें लिख दी है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। पहला पार्ट, कितना अमोनिया बनेगा ये पूछ रहे हैं अगर 2 × 10⁻² ग्राम नाइट्रोजन 1 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि नाइट्रोजन आखिर कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। पहले ये चीज चेक कर लेंगे कि आखिर ये नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो इस हिसाब से अपन अपने को दे रखा 2 × 10⁻² ये कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ये पता कर लेते हैं एक्स। तो कैसे पता करें, इसका रेशियो अपॉन इसका, ये अपॉन ये, x1/x2 / y1/y2 ये रिलेशन लगा देंगे। मतलब ये x1/x2 / y1/y2 ये रिलेशन आप लगाएं इस तरह के क्वेश्चन में और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब ये टेबल के क्वेश्चन आए ना तो ये रिलेशन लगा दो x1/x2 / y1/y2। तो यहाँ पर है 28/2 × 10⁻², मतलब 200 लिख देता हूँ डायरेक्टली, = 6/x। तो यहाँ से x आ जाएगा अपने पास 6 × 200/28, ठीक है। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, 6 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 200 से, कोई काटना हो तो काट भी सकते हैं, और डिवाइड बाय दे देंगे 28 से, तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, कितना हाइड्रोजन आएगा, 42.85 ग्राम ये आएगा आंसर। इतना आंसर आएगा 42.85 ग्राम, ठीक है। अब ले कितना रखा है अपन ने तो ले तो रखा है 1 × 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम दे रखा है, लेकिन यूज तो खाली 42.85 ग्राम ही आ रहा है, ठीक है ना भाई। यूज कितना आ रहा है, 42.85 ग्राम। तो अब यहां पर कुल मिला के आप ये देख रहे होंगे कि पूरा कौन खत्म हो रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो एक्सिस में बचा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 × 10⁻³ आता, वैसे 3 आना चाहिए, अगर 10⁻³ आता ये तो एक जीरो और एक्स्ट्रा आ जाता, तो ये 428.5 हो जाता, ठीक है। तो ये एक 2 × 10⁻³ होना चाहिए यहाँ पर। तो कुल मिला के भाई अपन को ये पता चला कि हाइड्रोजन कितना काम आया, इतने नाइट्रोजन से रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन मात्र 428.5 ग्राम ही काम आया।
ले तो तुमने रखा है 1000 ग्राम, इसका मतलब समझ जाओ कि हाइड्रोजन एक्सेस में ले रखा है आपने, और कितना एक्सेस ले रखा है वो भी अगर अपन को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई। लिया तो आपने 1000 ग्राम था, ये 1000 ग्राम, और काम खाली 428.5 ही आया, मतलब एक्सिस में हो गया आपके पास, इसको माइनस करेंगे तो एक्सिस में आ रहा है 571.5 ग्राम, इतना एक्स्ट्रा है हाइड्रोजन। तो क्या करा अपन ने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉलम बना दिए, जितना नाइट्रोजन था वो लिख दिया, जितना हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है वो लिख दिया। अब एक ले लो कोई भी, जैसे डाई नाइट्रोजन ले लिया मैंने 2 × 10³, उसके लिए कितना हाइड्रोजन आखिर चाहिए रहेगा वो निकाल लिया, तो 478.5 ही चाहिए, लेकिन अपने को क्वेश्चन में तो इतना सारा दे रहा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक्सिस में वो तो खाली 428.5 ग्राम ही काम आया, तो बच्चा कितना रह गया माइनस करके देख लो भाई। 1000 लिया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया कितना था 1000 ग्राम, तो काम तो खाली 428.5 ही आया, तो माइनस करके देखेंगे तो 571.5 ये अपने पास बचा रह जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बोल रहे थे विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, हाँ हाइड्रोजन का कुछ पार्ट अनरिएक्टेड रह जाएगा, इफ यस विच वन, आंसर हाइड्रोजन, और व्हाट विद इज मास, कितना मास बचा रह जाएगा 571.5 ग्राम। अब आगे पूछे थे कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछे थे अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो देख लेते हैं अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो चेक कर लेते हैं। ये सब करने के बाद आखिर अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बन रहा है, नाइट्रोजन तो काम आया कितना 2000 ग्राम, और हाइड्रोजन तो पूरा का पूरा 1000 ग्राम थोड़ी ना काम आया, 428.5 ग्राम ही काम आया, तो जब दोनों का ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2428.5 ग्राम ये टोटल अमोनिया बनेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो दोनों का सम कर देंगे वही आंसर आ जाएगा।